पिछले कुछ सालों से हम सभी ने वर्चुअल रियलिटी के बारे में काफी कुछ सुना है। अब ये क्या है, कैसे काम करती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल रियलिटी के बारे में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के नाम से ही हमें पता चलता है कि रियलिटी मतलब रियल है और वर्चुअल मतलब कि वो असल में नहीं है। अब दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी मदद से आप एक हेडसेट पहन के, अब वो हेडसेट आपके फोन से पावर लेने वाला भी हो सकता है और सेपरेट हेडसेट भी हो सकता है, तो उसको पहनकर आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि वो असली है, लेकिन आप तो जिस जगह पर खड़े हैं वहीं पर ही हैं, लेकिन वो आपको किसी दूसरी जगह पर ले जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपने वीआर हेडसेट पहन लिया और उसमें किसी बिल्डिंग का टूर लोड कर दिया, तो आप ऐसा समझेंगे कि आप उसी बिल्डिंग में हो और आपके चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो लोग चल रहे हैं, वो आप देख रहे हो और आपको लगेगा कि मैं उसी जगह पर हूं, लेकिन सच में तो आप जिस जगह पर खड़े हैं वहीं पर ही हैं। अब दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि ये कब स्टार्ट हुई। तो ये स्टार्ट हुई गूगल कार्डबोर्ड से। अब गूगल कार्डबोर्ड एक ऐसा हेडसेट था जिसमें अगर आप उसके सामने अपना फोन लगाएंगे तो उसमें दो लेंसेज थे छोटे छोटे, और जब आप अपना फोन उसमें लगाते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन के दो हिस्से बन जाते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो जब उस कार्डबोर्ड में वीडियो कंटेंट प्ले होता है तो वो हल्का सा शिफ्टेड होता है, कुछ कुछ 3D की तरह। अब जब आप गूगल कार्डबोर्ड को अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं, तो चाहे आप कोई वर्चुअल टूर देख रहे हो, चाहे कोई 360 डिग्री की वीडियो देख रहे हो, तो उस वक्त जैसे जैसे आप अपने सर को घुमाते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप खुद उस तरफ देख कर रहे हैं, उस तरफ मूव कर रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे सामने कुछ और है, मेरे दाएं तरफ कुछ और है, मेरे बाएं तरफ कुछ और है, हालांकि आप वहीं पर ही हैं जहां पर आप खड़े हो। बस आपको कार्डबोर्ड हेडसेट पहनने के बाद महसूस होता है कि आप उस दुनिया का हिस्सा हो और आप उसी जगह को अच्छी तरह देख पा रहे होते हैं। अब दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी असल में क्या है कि आप एक ही जगह पर हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, बल्कि आपको वीडियो कंटेंट या ऐप या सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस दुनिया का हिस्सा हो। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी का कॉमन एग्जाम्पल है गूगल कार्डबोर्ड, और अगर एक हाई एंड एग्जाम्पल की बात करें तो वो है ऑक्यूलस रिफ्ट। अब ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत अरसे से वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम कर रही है। उसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सैमसंग गैलेक्सी का गियर वीआर, सोनी का प्रोजेक्ट मॉर्फियस, HTC का वाइव वगैरह। तो ये सभी एक हेडसेट हैं जिनको आप जब पहन लेते हैं तो जिस दुनिया में आप अभी हैं या जिस कमरे में बेड पर बैठे हैं या लेटे हैं, उससे आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आप पूरे तरीके से एक नई दुनिया में चले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे 3D टूल्स की, कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी जगह पर हैं, अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा आप VR हेडसेट लगाकर YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि YouTube वीडियोस में भी 360 डिग्री का ऑप्शन आपको मिलता है। अब आप VR हेडसेट लगाकर वो वीडियो प्ले करते हैं, तो मिसाल के तौर पर आपने कोई हेलीकॉप्टर राइड की कोई वीडियो प्ले की है, तो यहाँ पर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उस हेलीकॉप्टर के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि वो वीडियो 360 डिग्री से ही रिकॉर्ड की गई है। तो इसीलिए आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उसी हेलीकॉप्टर में ही हैं। आप नीचे झांकेंगे तो आपको नीचे नजर आएगा, अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो कंट्रोल पैनल नजर आएगा। मतलब ये कि आप उसी का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। ये जैसे कुछ 3D गेम्स हैं, मिसाल के तौर पर गेम्स में जो शूटर है, अब अगर आप ये गेम VR हेडसेट पहनकर खेलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शूटर आप खुद हैं और आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, या जब आप इधर उधर गर्दन घुमाते हैं तो वो सारी चीजें आपसे इंटरेक्ट करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उस गेम का हिस्सा हैं। अब दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी काफी चीप है, सस्ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ लेंस वाला मैकेनिज्म चाहिए होता है, बाकी सारा काम आपका फोन कर देता है।
फोन ही स्क्रीन को दो हिस्सों में तकसीम करके एप्स वगैरह की मदद से आपको 3D एक्सपीरियंस दे देता है। अब चाहे वो कोई मूवी हो, कोई 3D टूर हो, या कोई 3D गेम हो, या अगर आप YouTube में 3D कंटेंट देख रहे हैं, तो ये सारे काम आप कर सकते हैं VR की मदद से। अब दोस्तों जरूरी बात कि वर्चुअल रियलिटी को फुल एंजॉय करने के लिए आपके फोन में जायरोस्कोप का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके फोन में जायरोस्कोप नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वर्चुअल रियलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हेडसेट में अपने फोन को लगाएंगे तो आप YouTube को एक बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सिनेमा में या बड़े हॉल में बैठकर कोई वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा आपको VR हेडसेट में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपके फोन में जायरोस्कोप है तो दोस्तों असल में तो जायरोस्कोप एक हार्डवेयर है जो आपके फोन के सॉफ्टवेयर को यह बताएगा कि आपने अपना सर इस वक्त कितने डिग्री पर, कितने एंगल पर रखा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग जो वहां पर कंटेंट का पार्ट होना चाहिए था वो आपको शो हो जाता है। अब फर्ज करें कि आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसमें इस वक्त आप उस बिल्डिंग की छत पर हैं और आपके दाएं तरफ भी एक और बिल्डिंग है, तो जब आप नीचे देखते हैं तो वो आपको ऊपर से नीचे की तरफ पूरी वीडियो दिखाता है, और जब आप दाएं तरफ देखते हैं तो आपको वो बिल्डिंग नजर आती है। इसीलिए फोन में जायरोस्कोप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वर्चुअल रियलिटी के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे कि पहली बात वर्चुअल रियलिटी चीप है, सस्ती है। यहां पर आपको एक हेडसेट पहनना पड़ता है जो आपको आपकी पूरी सराउंडिंग से हटा देता है। फिर वर्चुअल रियलिटी को हम यूज करते हैं 3D टूल्स के लिए, 3D मैप्स के लिए, या 3D मूवीज वगैरह देखने के लिए। फिर एग्जांपल देखें तो वर्चुअल रियलिटी की एग्जांपल हैं गूगल कार्डबोर्ड, गैलेक्सी गियर VR, HTC वाइव, सोनी का प्रोजेक्ट मॉर्फियस वगैरह। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आपको आपकी दुनिया से हटाकर उस दुनिया में ले जाती है जहां पर आप उस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।